हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान क्रिएशन। आज रामनवमी है तो आप सभी को सबसे पहले तो रामनवमी की बहुत सारी बधाइयाँ। और आज हम अब तक का सबसे बड़ा डीजे लोडिंग करने वाले हैं, साथ में शार्पी लाइट भी रहेगा, पार लाइट रहेगा और ट्रस वगैरह सब रहेगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में डीजे ट्रक पे लोडिंग करेंगे, साथ में राम जी का मूर्ति भी हमने बनाया है उसको भी लोडिंग करेंगे, फिर जुलूस निकालेंगे। आप लोग देखना, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। और मेरे फेस के स्माइल से पता चल रहा होगा कितना भयंकर आवाज़ था, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, साथ में एक जय श्री राम का मैसेज ज़रूर डालिएगा कॉमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मेरे भारत का बच्चा है बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। तो भाई देख लो, यहाँ पे ये ट्रक आ चुका है। बाकी इधर देखो, सब ये सब स्पीकर्स वगैरह, इधर ट्रस रखा हुआ है सामने। यहाँ पे नए नए ट्यूटर जो हमने बनाया है, ट्यूटर बॉक्स, इसका भी वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। अब देखो ये सब बेस स्पीकर है, बड़ा वाला बेस स्पीकर है इधर भी। और चलिए अब लोड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। शार्पी लाइट भी अभी अंदर रखा हुआ है, शार्पी लाइट लगाएंगे। चलिए जल्दी से आप लोग लोडिंग देखिए। तो भाई देख लो, यहाँ पे सेटअप हो चुका है, बहुत बड़ा ही यहाँ पे सेटअप हो गया है। अभी यहाँ पे हम पार लाइट सेट करते हैं, इसके बाद हम शार्पी लाइट को लगाएंगे। शार्पी लाइट लगाने के बाद यहाँ पे देखो एम्पलीफायर आ चुका है, एम्पलीफायर में कनेक्ट करेंगे सारे कैबिनेट्स को। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले पार लाइट हम सेट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो, मेरे कंधे के बराबर यहाँ पे डीजे है। देखो कितना बड़ा डीजे है, और साथ में ये शार्पी लाइट देखो, ये डमी शार्पी है। अभी नया शार्पी हम लोग तभी खरीदेंगे जब आप ये वीडियो पे 2000 लाइक्स कर देगो। जल्दी से आप जाके लाइक का बटन दबाइए, 2000 लाइक्स करिए, तुरंत आपको शार्पी का अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगा। अब इसको हम सेट करते हैं यहाँ पे, और साथ में आपको जय श्री राम का कॉमेंट भी करना है तो ज़रूर भूलिएगा मत। चलिए यहाँ पे हम ये दोनों शार्पी को सेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एम्पलीफायर है, दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, और साथ में यहाँ पे जितना भी टॉप है उसको एक एम्पलीफायर पे कनेक्ट करेंगे, और दूसरा एम्पलीफायर पे हम ये ट्यूटर को और साथ में बेस को कनेक्ट करेंगे, ताकि जो बेस है और ट्यूटर का ज़्यादा आवाज़ कर सके और टॉप का आवाज़ कम रहेगा। तो चलिए कनेक्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने पहला एम्पलीफायर रख दिया, तो ये हम अभी दूसरा एम्पलीफायर को रखते हैं इसके ऊपर। तो ये देखो दो एम्पलीफायर हो चुका है। अब ये ऊपर वाले एम्पलीफायर से हम ट्विटर और बेस को कनेक्ट करेंगे, नीचे वाले एम्पलीफायर को सारे टॉप को कनेक्ट करेंगे, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे इतना बड़ा जो कि डीजे सेटअप वो हमने ऑन कर दिया है। अब ये देखो दोनों लाइट जल रहा है, ये स्पीकर भी हमने ऑन कर दिया, सिर्फ इसमें अभी गाना बजाना बाकी है। बाकी देखो इधर हमारे हनुमान जी महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं, आगे पे आगे वाले रथ पे हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं, और उसके पीछे जो कि श्री रामचंद्र जी। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मूर्ति, और बहुत अच्छा से हमने डेकोरेशन भी किया है कल रात भर मेहनत करने के बाद। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, इतना मेहनत के लिए तो एक लाइक बनता है, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा आप लोग। चलिए अब यहाँ पे ऑन करते हैं डीजे को, आप लोग साउंड को एंजॉय करिएगा। तो भाई देखो यहाँ पे ये डिस्प्ले पे लाइट आ रहा है। कई लोग बोलते हैं कि भाई आपका एम्पलीफायर नहीं चल रहा है, यहाँ पे देखो ब्लूटूथ लिखा हुआ है, ये देखो ऑन है ब्लूटूथ,
ये नीचे वाला का यहाँ पे डिस्प्ले बस खराब है, बाकी ये तो ऑन ही है। दोनों एम्पलीफायर साथ में एक होम थिएटर सिस्टम भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बॉक्स बहुत ज़्यादा ही हमने लोड कर दिया है, इतना ओवरलोड हो जा रहा था कि बज ही नहीं रहा था, इसलिए हमने 3 यहाँ पे मशीन यूज़ किया। चलिए अब सॉन्ग को प्ले करते हैं, आप लोग देखिए वीडियो को।